वेलकम इन स्टडी हब चैनल। मैं रोहित कुमार आज आपका एनालॉजी में स्वागत करता हूँ। एनालॉजी में सिर्फ 3 से 4 ही पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी एनालॉजी बहुत ईजी है। 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं इसके। तो एनालॉजी के अंदर ओनली 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको नंबर एनालॉजी सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ याद होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 22 तक के क्यूब, और टेबल 11 से लेकर 25 तक के। नंबर एनालॉजी में सबसे पहले आपको चेक करना है क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 6 34 9 का क्या होगा, तो हमें पता है कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 34। सेम 9 में भी ऐसा करेंगे और उसी तरह हमारा आंसर आएगा 79। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि 9 24 blank 6, तो क्या आएगा। तो हमने देखा कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 24। सेम यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस में से 3 चूज़ कर लूँ तो सेम जैसा हमने पिछले में किया था, अब करें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर -3 कर लें तो हमारा आंसर 6, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 0.16 इक्वल्स टू 0.0016, तो बताओ 1.02 क्या होगा। अगर मैं 0.16 को 100 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा 0.0016, जो कि एकदम करेक्ट है। फिर मैंने क्या किया, 1.02 को फिर से 100 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर है 0.0102, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 121 से 12 25 से बताओ क्या होगा। तो 121 का स्क्वायर रूट निकाले तो 11 आता है, 11 में 1 जोड़ दो तो आंसर आता है हमारा 12। सेम हेयर 25 का स्क्वायर रूट निकाले तो 5 आता है, 5 में 1 जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 8 256 blank, बताओ क्या आएगा। तो हमें पता है कि अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 आएगा, और 8 का हाफ कर दें तो 4 आएगा, तो 64 और 4 को मल्टीप्लाई किया आ गया 256, जो कि वही है। सेम हेयर अगर मैं ऑप्शन में से 10 को चूज़ करूं और 10 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ गया 100, और 10 का आधा कर दूं 5, उस 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 500। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5, कीप नोट इट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर संख्या 3 अक्षरों से ज़्यादा हो, अगर द डिजिट विल बी मोर देन 3, इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर सम या माइनस की एनालॉजी होती है। नाउ 6415530478 96 का बताओ क्या होगा। 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, 5 में 1 कम करेंगे 4, मतलब एनालॉजी किसकी है, सब्ट्रैक्शन की। कितनी की सब्ट्रैक्शन, 1 की सब्ट्रैक्शन, तो 7 8 9 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो आंसर आ जाएगा 6 7 8 5। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 20 11 102 का क्या होगा। अगर मैं 20 में 2 जोड़ूं और 2 से भाग दे दूं तो आंसर मेरा आता है 11। सेम ही करना है, 102 में 2 जोड़ना है और 2 भाग देना है तो आंसर आ जाएगा 52। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8, 1/9 1/81 1/13, बताओ क्या होगा। तो 1/9 में अगर मैं 1/9 से गुणा करूँ तो 1/81 आता है। सेम हेयर 1/13 में को से मैंने 1/13 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है 1/169, दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9, 118 36 15 का क्या होगा। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 326। सेम हेयर 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में से 2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 227, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। जब कभी भी आपको अल्फ़ाबेट की एनालॉजी दिखे तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, आपको पोजीशंस लिख लेनी है। तो मैंने सारी पोजीशन लिख ली, फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि 3 से 9 मतलब 6 का सम, 1 से 7 मतलब 6 का, 6 से 12 मतलब 6, 4 से 10 मतलब 6, यानी सब में कितने का गैप है 6 का। तो ओ में 6 जोड़ा तो आया यू, एम में 6 जोड़ा तो आया एस, आर में 6 जोड़ा तो एक्स, पी में 6 जोड़ा तो वी, इस तरह से हमने ये कर लिया। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11, RO RRIM दे रखा है मिरर, तो बताओ इसका क्या होगा। इसमें ध्यान से देखने पर ये पता लगेगा कि लास्ट की वैल्यू फर्स्ट में दे रखी है। सेम यही करेंगे, लास्ट की वैल्यू फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे जो कि रिवर्स है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्रेजेंट। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 12 और 13 क्वेश्चन के अंदर क्या है, 12 और 13 क्वेश्चन नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है, इसके अंदर आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी। सो इसके अंदर आप स्कोर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके लक पे पूरा डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ रखा है। लव का क्या होता है, हेट, फ्रेंड का क्या होगा, अगर ध्यान दें लव हेट मतलब ये अपोजिट वर्ड है, तो फ्रेंड का क्या होगा, दुश्मन, तो मतलब इनेमी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13, स्टैमरिंग का स्पीच डिफनेस, स्टैमरिंग मतलब हक लेना, किससे रिलेटेड है, बोलने से, तो डिफनेस किससे रिलेटेड होगा, सुनने से, हेयरिंग से।
So these are the 13 questions which you have learned and give you best shot in analogy. तो हमें सब पहले क्या चेक करना है आपको, जैसा कि मैंने बताया पहले हमें क्यूब चेक करना है, देन स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, एड, सब्ट्रैक्शन. अगर वैल्यूज़, अगर नंबर तीन अक्षर से ज़्यादा हो तो आप क्या चेक करें, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका आंसर आ जाएगा. अल्फ़ाबेट के केस में आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट के केस में आपको सिंपल सा कुछ नहीं याद करना, आपको जस्ट पोजीशन लिखनी है. और पोजीशन के जैसे आप पोजीशन लिख लोगे तो एक एक पोजीशन को मिलाना है और उसके बाद आपको नया पैटर्न मिल जाएगा. आई होप एनालॉजी आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.